अरविंदासो आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो न सिर्फ शिशु छोटे बच्चों के रोगों को दूर करती है बल्कि इसके साथ साथ यह महिलाओं और पुरुषों के भी कई रोगों को दूर करने का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालू, स्वागत है आपका मिस पैरागी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैद्यनाथ अरविंदासो के बारे में, यह बच्चों की सेहत के लिए किस तरह से गुणकारी होती है और इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं यह महिलाओं और पुरुषों के किन रोगों को दूर करने का काम करती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी। अरविंदासो सिरप एक आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधि है जो अरविंद अर्थात कमल के फूलों से तैयार की जाती है और इसीलिए इसे अरविंदासो कहा जाता है। यह छोटे बच्चों के कई रोगों को दूर कर उनके लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी है और इस कारण से शिशुओं का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिस वजह से वह शारीरिक और मानसिक रूप से कुपोषित हो जाते हैं, जिससे बच्चों को अनेक रोग घेर लेते हैं। इनमें सूखा रोग रिकेटस एक प्रमुख रोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लीवर पर भी इसका बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों को भूख नहीं लगती तथा उनका पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, जिससे बच्चे कमजोर दिखाई देने लगते हैं और इस स्थिति में बच्चों को अरविंदासो देने पर उनका संपूर्ण विकास होने लगता है, जिससे कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं और इस तरह से वे हष्ट पुष्ट होने लगते हैं। और इसीलिए बच्चों को यदि किसी भी तरह की समस्या है तो आप उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर के भी अरविंदासो का सेवन करवा सकते हैं। आपने देखा ही होगा, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी खिला पिला दे लेकिन उन्हें खाया हुआ शरीर पर लगता नहीं है, जिस वजह से उनका वजन भी नहीं बढ़ पाता है और उनकी हाइट भी नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे स्थिति में आप इन बच्चों को अरविंदासो का सेवन करवा सकते हैं। अरविंदासो का सेवन करने से बच्चों में शारीरिक कमजोरी और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याएं बहुत ही जल्द दूर होती है। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ मानसिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जो छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। ऐसे बच्चों को भी आप अरविंदासो का सेवन करवा सकते हैं। यह छोटे बच्चों में मानसिक रूप से होने वाले गुस्सा, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करने का काम करती है। साथ ही यह बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन को भी बनाए रखती है, जिनसे उन्हें पढ़ने में भी मदद मिलती है। खेलकूद के दौरान बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्चर की समस्याएं होती रहती है, यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की हड्डियां वैसे ही कमजोर होती है और कई बार संतुलित आहार न मिलने पर भी बच्चों में ये समस्याएं देखी जा सकती है। अरविंदासो बच्चों में हड्डियों की कमजोरी को दूर कर उन्हें मजबूत बनाने का काम करती है। मौसम बदलने का सीधा प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है, जिनसे कि उन्हें बार बार सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे में भी आप उन्हें अरविंदासो दे सकते हैं। यह बच्चों में पाचन से जुड़ी समस्या जैसे अपच, गैस, कब्ज आदि समस्या को भी दूर करती है। आजकल छोटे बच्चों में अगर सबसे ज्यादा कोई समस्या देखी जा सकती है तो वो ये है कि उन्हें भूख कम लगती है या उन्हें खाना खिलाने के लिए दिन भर उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को अरविंदासो का सेवन करवाएंगे तो उन्हें भूख अच्छे से लगेगी, खुल करके लगेगी और वो खाना पेट भर के खाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरविंदासो शिशु एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं अरविंदासो के मुख्य घटक क्या क्या है जो बच्चों को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। इसमें है सफेद कमल, खस, गंभारी की छाल, नील कमल, मजीठ, छोटी इलायची, खरेटी मूल, चटामासी, नागर मोथा, काली अनंत मूल, हरड़, बहेड़ा, नील के बीज, पटोल पत्र, पित्त पापड़ा, अर्जुन की छाल, मुलेठी, महुआ के फूल, मूरा, मुनक्का, धाई के फूल, बच, आंवला, कचूर, काली नसोद आदि। अरविंदासो किस उम्र के बच्चों को कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए तो आइए जानते हैं। आप इसे 5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकते हैं। अरविंदासो का सेवन दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के बाद बच्चों को करवाना चाहिए। बात करें इसकी मात्रा की तो इसकी मात्रा आपको लेना है 1 चम्मच यानी कि 5 ml। जितनी मात्रा में आप दवाई ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको पानी लेना है। दोनों को अच्छे से मिला करके आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। 5 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों को आप 1 चम्मच यानी कि 5 ml दे सकते हैं। यदि बच्चे 8 साल से बड़े हैं तो आप उन्हें 2 चम्मच यानी कि 10 से 15 ml दे सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे छोटे बच्चों को कम से कम 2 से 3 महीने
महीने तक डॉक्टर की सलाह के अनुसार सेवन करवा सकते हैं। बेदीनाथ अरविंदासो के बारे में यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।